स्टार्ट कर। लास्ट टाइम हमने हब डिवाइस पढ़ा था, यस सर? यस सर। लास्ट टाइम हमने हब की थ्योरी पढ़ी थी, हब कैसे लेयर पे काम करता है, क्या जी क्या सर। प्रॉपर्टीज हैं, इश्यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जी एक बार जी रिवीजन लीजिए हब के बारे में क्या क्या बताया था। हब सर ये लेयर वन डिवाइसेस होता है, वर्क ऑन द फिजिकल लेयर पे होता है सर। डेटा रिसीव एंड सेंड इनटू द बिट्स में होता है। हब ऑन पोर्ट्स, टू पोर्ट्स, फोर पोर्ट और सिक्स पोर्ट्स का होता है। हब इज प्लग एंड प्ले डिवाइस है। हब डोंट हैव द एनी जियोग्राफिक इंटरफेस और कमांड इंटरफेस इसके नहीं होते हैं। नहीं होता इसके पास। हब कॉल्ड हब डुप्लेक्स, हब डुप्लेक्स, हब ऑलवेज टू ब्रॉडकास्ट होता है सर, क्योंकि लेयर वन पे कोई इसको सोर्स और डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई नहीं होता है। करता। चलो एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, ये चार डिवाइस लगा के, यस सर जी नो? सर, जी चलो सर। अब देखो, पैकेट ट्रेसर है ये, एक सिमुलेटर है। कौन सा? पैकेट ट्रेसर, सिस्को का। ओके ठीक है, ओके अब सर। इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। बेसिकली हमें हब पे काम करना है, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शन? देखो अभी मैं जी आपको एक सर, ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर आप ये फर्स्ट डिवाइस को, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस वाले पे, तो जी इसमें सर, आते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या आते हैं? नेटवर्क नेटवर्क। डिवाइस। और अगर सेकंड वाले पे क्लिक करते हो तो इस पर मिलते हैं एंड डिवाइसेस। क्या मिलते हैं? एंड जी सर, डिवाइसेस। तो ये राउटर है, ये स्विच है, ये हब है, क्लियर है? ये वायरलेस डिवाइसेस है, ये फायरवॉल्स है, और ये वैन इम्यूलेटर है। क्लियर है? तो अभी ओके तो सर, हमें हब पे कॉन्सेप्ट करना है। तो हब जी के लिए सर, मैंने इस पे गया, इस पे हब डिवाइस सिलेक्ट करा। अब देखो जी हब सर, को, देखो आप, हब के पास कोई पोर्ट होता है नहीं होता, वो दिखा देता हूँ कितने पोर्ट्स फोर होते पोर्ट्स, हैं। फोर पोर्ट्स, सिक्स चलो क्लिक पोर्ट्स, करके देख लेते हैं, इस पे क्लिक जी करते सर, हैं। डबल क्लिक, देखिए कितने, एक सिक्स दो बिट, तीन चार पांच छह। पावर ऑन पावर ऑफ, ऑफ, जी वाई सी एल आई ऑप्शन है ऊपर? नहीं। नहीं सर, तो अब मैं चार डिवाइस लगाता हूँ। पीसी उठाए, कंट्रोल बटन दबाना है कीबोर्ड का और सिलेक्ट कर लिया, एक दो तीन, और ये कितने हो गए? चार। चार, अब मुझे केबल्स कनेक्ट करनी है, तो मैं केबल के लिए ये वाला ऑप्शन लिया, ऑटोमेटिक पे गया, कंट्रोल दबाया, पहले ये कनेक्ट, फिर ये वाला और ये वाला। क्लियर हो हाँ गया? ओके सर, अब देखो मैं इस डिवाइस को आईपी दूंगा 192.168.1.1। वन इसकी आईपी है 1.2, टू इसकी आईपी है 1.3, थ्री 1.4। फोर अब पीसी के पास गया, पीसी को आईपी दी 1.1, सबनेट मास्क दे रहा हूं बस। ओके सर, वन डॉट टू, वन डॉट थ्री, और सर ये 1.4। फोर, चारों डिवाइस हो गए हमारे पास। अब मैं पिंग करता हूँ पीसी वन से, ठीक है? जी किससे? सर, पीसी वन से। इसी क्या वन आते से, हैं? देखो पिंग 1.4, एक हाई मैसेज ही भेज रहा हूँ एक तरीके से, ये सुनो। यस सर, जा रहा है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। नहीं सर, जा रहा है लेकिन बैकएंड में देखो, मैंने बोला था हब कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर वन पे। अब वन देखो पे, पीसी वन पे गया और जैसे ही कमांड डाली पिंग 1.4, इसने एक मैसेज जनरेट करा, दिख रहा है ये वाला मैसेज? अब ये ओके सर, मैसेज किसके लिए भेजना था? इसको डायरेक्ट 1.4 को। फोर को, अब इस मैसेज में लेयर टू भी है, लेयर थ्री भी है, और लेयर वन भी है, तीनों लेयर ओके करी जा रही है। अब जब ये जी हब सर, पर रिसीव होगा तो हब कौन सी लेयर देखेगा? तीन, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, कौन सी दिखेगा? क्लियर वन सर, लेयर वन। अब लेयर वन पे तो डेटा किस में होता है? बिट्स में। हब हो जाएगा बिट्स, कंफ्यूज, हब जी इसको भी सर, दे देगा, इसको भी देगा और जी इसको भी सर, देगा। देख लो आप, जी सर, फॉरवर्ड करो, हब ने रिसीव करा। अब मैसेज ओके, पढ़ो, हब ने कौन सी लेयर हाईलाइटेड कर रखी है? लेयर फर्स्ट लेयर वन, वन दिख रही है ना, और बाकी जी सब क्या सर, कर रखी है? हाइड। गुड, अब देखो जैसे हब ने रिसीव करा लेयर वन पे, उसने किस किस को दे दिया? सभी डिवाइसेस को। किसको दे दिया? सभी डिवाइसेस। ब्रॉडकास्ट, तो एक मैसेज आया, लेकिन हर बार क्या कर रहा है वो? ब्रॉडकास्ट। जब रिप्लाई भेजेगा 1.4, तो किसको मिलना चाहिए? 1.1 को। वन लेकिन को, अब किसको भेजेगा? सभी डिवाइसेस को। अभी, प्रॉब्लम आने लगी नेटवर्क में, भाई बैंडविड्थ यूज होगी ना आपके नेटवर्क की, तो जी अब जी सर, इसलिए आपने कौन सा डिवाइस यूज करना चालू करा हब की जगह? सेकेंड डिवाइस, ब्रिज, ब्रिज। अब देखो ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिज की पढ़िए थ्योरी क्या थी?
ब्रिज लेयर टू डिवाइस होता है सर, इट्स वर्क डाटा लिंक लेयर, बिल्कुल ब्रिज कॉल फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, बिल्कुल सेंड और रिसीव करता है फ्रेम्स, जी सर, ब्रिज प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ब्रिज में डोंट हैव जीयूआई एंड सीयूआई मोड, बिल्कुल, ब्रिज मेंटेन द मैक एड्रेस टेबल्स, मैक एड्रेस टेबल जिसमें मैक इंफॉर्मेशन होती है। चलो अब देखो, मैंने अब ब्रिज लगाया था यहाँ पे, अब मैंने ब्रिज लगाया, ब्रिज पे मैंने कितने यूजर लगा सकता हूँ, सिर्फ एक ये वाला पीसी लगा रखा है, ये वाला, और एक पीसी इधर लगा रखा है, दो ही डिवाइस लग सकते हैं, लेकिन नेटवर्क में मेरे पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं ना, लेकिन जब ये बॉब एक मैसेज भेजेगा हाय, तो उसमें क्या लगाएगा, लेयर टू लेयर थ्री, जब ब्रिज पे जाएगा डेटा तो ब्रिज कौन सी लेयर रीड करेगा, सिर्फ टू लेयर टू, ब्रिज कौन सी लेयर रीड करेगा, सिर्फ लेयर टू। अब जब भी लेयर टू पे रिसीव होगा तो सोर्स कौन आ रहा है उसको क्या पता चला, पैकेट किसने भेजा, डेटा किसने भेजा, बॉब ने, बॉब का मैक एड्रेस किसमें रख देगा, अपनी पोर्ट 1 मैक टेबल में रख दिया, और डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन कौन है, सैम, तो दे दिया, जब सैम रिप्लाई करेगा तो इसका मैक कहाँ रख लेगा, मैक टेबल में, यानी जो ब्रिज है वो एडवांस डिवाइस है, लेयर टू पे इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, दो ही पोर्ट होते हैं, क्लियर है, चलो दिखा देता हूँ, ब्रिज देखो कैसे लेते हैं, स्विच में गया, सेकंड ऑप्शन स्विच पे, और ये ब्रिज देखो, ये आ गया ब्रिज, इसमें देखो जूम इन करो इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, टू, एक दो, प्लग एंड प्ले है, कोई जीयूआई सीएलआई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं सर, कोई जीयूआई सीएलआई है, नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे तो नंबर ऑफ पोर्ट्स ही कम है, लेकिन हम लगा के देख लेते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो दो डिवाइस लगाने हमें, जी सर, वन और टू, एक 0/1 है और एक 1/1 है, फास्ट फॉरवर्ड करना है क्योंकि अब ये पोर्ट क्या हो रखे, ऑरेंज, ग्रीन हो गए, अप हो गए, चलो पीसी पे जाओ, इसको आईपी दे दो 1.1, इसके बराबर वाले को आईपी दे दो 1.2, ठीक है ना, जी सर, कोई आईपी पे काम कर रहे हैं हम, क्योंकि दो डिवाइस से ज्यादा लग ही नहीं सकता, नहीं सकता, तो इसकी आईपी 1.1, इसकी आईपी 1.2, अब पिंग करके देखो, पिंग 1.2, पिंग हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, नहीं, अब देखो बैकएंड में जाओ, बैकएंड प्रोसेस सिमिलाइजेशन में जाओ, ओके, सिमिलाइजेशन में जाओ, स्टार्ट करो और स्टॉप कर दो, अब पीसी पे जाओ और मैसेज भेजो 1.2 को, मैसेज भेजा, अब देखो ब्रिज पे जब ये मैसेज आ रहा है तो ब्रिज क्या बोल रहा है, मैं कौन सी लेयर पढ़ सकता हूँ, लेयर टू, अब दिखा भी देता हूँ, देखो कौन कौन सी लेयर उसने हाईलाइट कर रखी है, लेयर और लेयर वन पे रिसीव करा, लेयर टू की इंफॉर्मेशन को देखा, और लेयर थ्री से लेके 7 तक क्या कर रखी है, हाइड हो, अब ये देखो दूसरी लेयर, अब ये देखो ये लाइन क्या बोला है, The frame source MAC address was found in MAC table of bridge. कि भाई मेरी MAC table में मिल गया बंदा. This is a unicast frame. Unicast का मतलब 1, 2, 1. जब आपको source पता है, destination पता है, तो आपका message कैसे जाएगा? Unicast. तो आपका source पता है, लेकिन destination unknown है, तो कैसे जाएगा? Broadcast. Broadcast. चलो, अब देखो इसने दूसरी line में क्या बोला? भेजा इसने आगे गया, अब जब इस डिवाइस ने रिप्लाई करा तो दोबारा ब्रिज ने क्या देखा, मैक टेबल को, अब इसने देखो क्या बोला, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस फाउंड इन मैक टेबल, और कैसा मैसेज भेजे हो, यूनिकास्ट, ठीक है, अब ब्रिज पे प्रॉब्लम क्या थी, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने थे, दो ही थे, नेटवर्क में कितने चाहिए, मल्टीपल, तो अब मैंने कौन सा डिवाइस यूज करा उसके लिए, स्विच, स्विच के बारे में पढ़िए, थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, जी सर, स्विच लेयर टू डिवाइस एंड लेयर थ्री डिवाइस है सर, स्विच लेयर टू भी होता है और लेयर थ्री भी होता है, थ्री भी होता है, जी सर, बाय डिफॉल्ट स्विच जो है वो कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर टू पे, तो अभी लेयर टू के फंक्शन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़िए यहाँ से, स्टार्ट, लेयर टू इट्स वर्क ऑन डाटा लिंक लेयर्स, हाँ, सेंड न्यू फ्रेम्स, हाँ, सेंड एंड रिसीव फ्रेम्स, स्विच मेंटेन मैक टेबल, मेंटेन मैक ऐड टेबल्स, स्विच learn the MAC address and from the source of the update, जो भी मैसेज भेजेगा उसके अब सोर्स को उठा के रख लेगा मैक टेबल में, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, स्विच की जो मैक टेबल है उसका लास्ट टाइम कितना है, कब तक रहेगी, 300 सेकंड तक, स्विच कौन से डुप्लेक्स का डिवाइस है, फुल,
स्विच के पास दोनों ऑप्शन होते हैं जीयूआई और सीआई। यस आप देखो नेक्स्ट लाइन, स्विच के सारे इंटरफेस किस ग्रुप के मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट, ग्रुप नंबर 1 के। चलो स्विच हैव डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, एक टीएक्स पिन होती है और एक आरएक्स, टीएक्स भेजने के लिए और आरएक्स रिसीव करने के लिए। स्विच के स्विच टाइप्स कितने होते हैं, एक एक्सेस लेयर का स्विच होता है उसके बारे में लाइन पड़ी क्या लिखी हुई, लेयर टू स्विचेस, दिस टाइप स्विच कॉल्ड एक्सेस Access layer device. These types of switch the support the switching and protocols. This type switch only connect in device. End device, PC, laptop, server, printer, IP phone, cameras. Clear है ना? चल okay, sir. अब देखो दूसरे device पढ़ो। अब दूसरा switch आता है आपके पास कौन सी layer का? Core layer. Core और distribution. ये depend करता है network कैसे बनाया आपने। अब इसके okay. बारे में पढ़ो। This core type. अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी मैंने, बोला था लेयर टू स्विच हो या लेयर थ्री, अब स्विच नेवर डू नेट ट्रांसलेशन, वो नेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि नेट में क्या होता है, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करते हो और स्विच ये ट्रांसलेशन करता ही नहीं, इसलिए राउटर यूज होता है। क्लियर है? चलो अब मैंने बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई स्विच। अब स्विच के पास नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, 16, 24, 32 और 48। स्विच दो टाइप की कैटेगरी में आता है, एक अनमैनेजेबल और एक मैनेजेबल। अनमैनेजेबल का मतलब प्लग इन प्ले, पावर दो और चालू कर दो, है ना? जी सर। मैनेजेबल का मतलब नीड टू कॉन्फिगर। जो मैनेजेबल आता है वो कितने टाइप में होता है, जीयूआई और सीएल और सीएल मोड। ये मैंने आपको पोर्ट्स दिखाए थे, कुछ दिखाए थे, है ना? चलो अब आप देखो स्विच मैक टेबल को मेंटेन करता है। तो भाई देखो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस सिखाने वाला हूँ स्विच के बारे में। यहाँ तक तो बढ़िया था, कोई इशू नहीं है, ब्रिज हम सिखा दिया। अब देखो स्विच के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। टॉपिक हमारे पास है स्विच का, मैं यहां लिख देता हूं टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्विच, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखो पहले तो सीखना पड़ेगा हाउ टू फिजिकली एक्सेस स्विच, कि स्विच को फिजिकली एक्सेस कैसे करते हैं। देखो सिस्को स्विच हैव कंसोल पोर्ट, क्या होता है उसके पास, कंसोल पोर्ट। अब ये कंसोल पोर्ट दिखता कहां पर है, देखो मैंने पिक्चर दिखाई थी। जी सर, स्विच के बारे में मैं आपको दोबारा एक पिक्चर दिखा देता हूँ। जी सर, डी ड्राइव में चलते हैं, डिवाइस पीएनजी, बैक साइड में, ये बैक साइड है डिवाइस, है ना सर? जी सर, ताकि आपको रियल डिवाइस पे कोई इशू आए ना, इसलिए ले रखे मैंने इमेजेस। अब देखो यहाँ पे डिवाइस में एक देखो आपको एक पोर्ट दिख रहा है, पहले आपको पोर्ट पर, ये कौन सा पोर्ट है, पावर पोर्ट सर। जी सर, अब ये क्या है आपका फैन, ठीक है? ये कौन सा पोर्ट है, कंसोल पोर्ट सर, कंसोल पोर्ट, ठीक है? ओके सर। अब कंसोल पोर्ट क्या होता है, देखो टू एक्सेस Cisco device in CLI mode, किस में एक्सेस करते हो, CLI mode, CLI का मतलब command line, command line interfaces, always use to access switch with the help of रोल ओवर केबल, किसके हेल्प से, रोल ओवर केबल, भाई नेटवर्क में रहोगे तो ये भी बोलते हो कंसोल केबल, कंसोल केबल, यस सर, ठीक है ना? यस सर। अब देखो ये केबल कैसी होती है, हाँ बिल्कुल सेम आपके पास जो डिवाइस में है, बिल्कुल। अब ये रोल ओवर केबल में क्या होता है, देखो एक पोर्ट जो होता है वो कौन सा होता है, आरजे 45 और दूसरे साइड होता है आपके पास
सीरियल यूएसबी डीबी 9 कनेक्टर, कौन सा होता है डीबी 9, इसी को आप क्या बोलते हो सीरियल पोर्ट। अब नाउ डेज लैपटॉप पीसी सर्वर टैबलेट्स इनमें कुछ में सीरियल पोर्ट्स आते हैं, तो आप क्या लेते हो सीरियल टू टू यूएसबी कन्वर्टर। अब ये भी बोलते हैं सर हम तो यूएसबी यूज ही नहीं करते फॉरेन्स में, तो आपके पास हो सकता है टाइप सी। टाइप सी चलो जी सर। अब ये केबल यूज करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन यूज करनी है, क्या यूज करनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन बहुत सारी है, मैं एक नॉर्मली एप्लीकेशन बता देता हूँ कौन सी है, फुटी। क्लियर है चलो जी सर। अब बात करते हैं दूसरा। अब देखो मैंने एक स्विच यूज कर रहा हूँ नेटवर्क में, तो मेरे पास स्विच को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंबल होता है, कितने एरो होते हैं स्विच में, टू एरो। इसका मतलब ये कैसा डिवाइस है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्लियर है चलो ओके। अब याद रखना सिस्को स्विच पे जो फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 0/1 क्या होगा, 0/1। अब मैंने ये 0/ लिख के क्या कर दिया, 0 का मतलब होता है जो पहला 0, इसका मतलब होता है सीरीज सीरीज नंबर। क्लियर है, इस सीरीज में कितने पोर्ट मिलते हैं, तो यहाँ पे लिखे होते हैं ये पोर्ट नंबर, ये कई बार 16 भी हो सकते हैं, 24, 32, 48, लेकिन सीरीज तो क्या रहेगी एक ही जीरो। क्लियर है चलो अब नेक्स्ट बात करो। अब मुझे स्विच से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो भाई ये मैंने स्विच लगा दिया जी सर, PC1 जी सर, PC2 PC3 PC3 और PC नंबर 4। पहला पोर्ट नंबर क्या आएगा 0/1 जो 1 0 2 0 3 0 4। ठीक है चलो इसका नाम है बॉब सैम, सैम इसका नाम लिख दो जॉन, जॉन इसका नाम सैली। ठीक है अब देखो बॉब की आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और इसका मैक एड्रेस क्या है ए, 192.168.1.2 मैक एड्रेस क्या है बी, 192.168.1.3 मैक क्या है सी, 192.168.1.4 मैक क्या है डी। अब देखो अब बात है कम्युनिकेशन की, क्लियर है। अब यहाँ पे आप दो टॉपिक सीखोगे, स्विच पे सीखोगे डेटा फ्लो, ठीक है, और क्या सीखोगे मैक एड्रेस, लर्निंग, ठीक है, और क्या सीखोगे मैक टेबल, ठीक है, और भी बहुत सारे, और लिख लो आप प्रोसेस भी सीखोगे, क्या सीखोगे आर प्रोसेस, आप प्रोसेस। चलो अब देखो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, पहले इस डायग्राम को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है यहां पे देखो, एक क्वेश्चन PC1 वांट टू कम्युनिकेट विद पीसी नंबर 4। पीसी 1 से बात करना चाहता है 4 से, तो पीसी 1 को पीसी 4 से बात करना। अब एक बात हो, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2। पीसी कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 3। आईपी पे तो चलता है पीसी, यस सर। अब देखो अब समझो, अब प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए आपको, बस अब अभी ओएसआई जो आपने पढ़ा है उसी पे क्लियर हो जाएगा सारा। अब देखो कम्युनिकेशन कैसे होता है, हमारा टास्क क्या था, PC1 टू सेंड PC4 कम्युनिकेट विद PC4। अब देखो बीच में स्विच लगाओ, राउटर लगाओ, हब लगाओ, ब्रिज लगाओ या फायरवॉल, कोई दिक्कत नहीं, सबके केस में यही प्रोसेस होगा जो मैं पहला सिखाऊंगा, ठीक है ओके सर। देखो अब जब भी PC1 को बात करिए PC4 से, तो PC1 क्या जनरेट करेगा पहले डेटा, बहुत बढ़िया। अब डेटा जनरेट करने के बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन, लेयर 2 मैक एड्रेस। लेयर 2 पे क्या लगता है,
नेटवर्क सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक और टाइप फिट. ठीक है, अब सोर्स कौन है जो भेज रहा है, डेस्टिनेशन मैक क्या है भाई मुझे तो पता ही नहीं, डी अननोन है भाई, पहली बार तो पता ही नहीं होगा ना नए डिवाइस को. जैसे ही लेयर टू पे क्या होगा अननोन, समझ जाओ. अब आप अगर लेयर थ्री लगाओगे भी तो लेयर थ्री में तो आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना, सोर्स आई पी क्या है 1.1, डेस्टिनेशन क्या है 1.4. अब देखो लेयर थ्री पे तो पूरी इन्फॉर्मेशन है लेकिन लेयर टू पे इनकम्प्लीट. लेयर टू पे कैसे इन्फॉर्मेशन है इनकम्प्लीट भाई, पहले टाइम पे आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट टाइम पे नहीं. तो जब भी इनकम्प्लीट होती है ना, अब देखो ये क्या बोलता है पीसी वन, अब ये पीसी वन का पहला प्रोसेस सिखा रहा हूं. किसका? पीसी वन का. ये कौन सा प्रोसेस है? फर्स्ट प्रोसेस जब भी बात करना होगा. ओके सर. चेक आपके. कौन चेक कर रहा है ये? चेक आप टेबल. कौन कर रहा है? पीसी वन. क्लियर है? ओके. इफ एंट्री थ्री देन कम्युनिकेट डायरेक्टली. कैसा प्रोसेस हो जाएगा वो? कैसे बात करेगा? 1-2-1. लेकिन एंट्री मिलनी चाहिए, याद रखना. अब उसके बाद इफ एंट्री नॉट फाउंड देन पीसी वन फॉलो. कौन सा प्रोसेस? अरपा प्रोसेस. आर प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? आर प्रोसेस. क्लियर? आर. ओके सर. ट्राइंग टू गेट मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन. किसके लिए? कि मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन मिल जाए. अब प्रॉब्लम यह है कि आपको पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा? आप टेबल और क्या क्लियर करना पड़ेगा? आर प्रोसेस. प्रोसेस. और ये गेट मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन होता कैसे? क्लियर है ना? ओके. अब इसके लिए समझो, जो आपको मैंने बताया आर, आर का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. क्लियर है? आर कॉल्ड लेयर 2.5 प्रोटोकॉल. क्लियर है? आर क्या करता है? रिजॉल्व आईपी टू मैक एड्रेस इश्यूज. इसको रिजॉल्व करता है आईपी टू मैक एड्रेस इश्यूज. आर ऑलवेज यूज इन सेम नेटवर्क. कहां पे यूज कर सकते हैं इसको? जब सेम नेटवर्क. आर ऑलवेज सेंड सेम नेटवर्क आप मैसेजेस. किसमें भेजता है हमेशा मैसेज? सेम नेटवर्क में. क्लियर है ना? आर नेवर सेंड डिफरेंट नेटवर्क्स. आर मैसेजेस. आर मेंटेन आप टेबल. क्या मेंटेन करता है? आर टेबल. और कौन सा? ओनली डी लेयर थ्री डिवाइस. कौन सा डिवाइस? लेयर थ्री डिवाइस. थ्री डिवाइस. ओके. आर टेबल टाइम आउट टाइमर. कि कितनी देर तक टेबल रहती है? थ्री फोर आवर. क्लियर है? आर ओके. इसमें क्या होते हैं? मैसेज. मैसेज. ठीक है, अब देखो, अब पहला मैसेज कौन सा होता है? कौन सा मैसेज है?
रिक्वेस्ट मैसेज, दूसरा क्या होता है आर रिप्लाई मैसेज, आर रिप्लाई मैसेज, तो दो मैसेज यूज होते हैं ठीक है। अब देखो व्हेनेवर यूजर गेट व्हेनेवर यूजर डोंट हैव destination MAC address, then user generate broadcast. Clear है? Broadcast का मतलब one to all. अब broadcast जो होती है ना वो दो होती है, एक होती है layer two पे, एक होती है layer three पे. Layer three पे. अब जब layer two पे जाएगी तो क्या किस में जा रही होगी? फ्रेम्स. और जब लेयर थ्री पे जाएगी तो किस में जाएगी? पैकेट में. पैकेट में. अब फ्रेम में क्या लगते हैं? मैक. पैकेट में क्या लगती है? आईपी. अब देखो फ्रेम जब लगेगा तो उसमें मैक कौन कौन से लगते हैं? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक. अब देखो जब आईपी लगेगी तो क्या होगी? सोर्स आईपी और क्या होगी? डेस्टिनेशन आईपी. डेस्टिनेशन. अब देखो जब फ्रेम भेजोगे तो सोर्स मैक हमेशा क्या होगा आपके पास? नॉन. और डेस्टिनेशन मैक कैसा होता है? कभी नॉन और कभी अननोन. क्लियर है ना? कभी नॉन और कभी अननोन. अब देखो याद रखो जब डेस्टिनेशन मैक अननोन होगा तो वहां पे मैक लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ. तो मैंने बताया था मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, कितने बिट का होता है मैक एड्रेस का साइज? 12. मैक एड्रेस कितने साइज का होता है? 12. मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट्स. अब 48 बिट्स का मतलब जो मैक एड्रेस है उसमें कितनी वैल्यू होती है? 12 वैल्यू. ठीक है, तो जब भी डेस्टिनेशन अननोन होगा तो वहां पे क्या लगा देगा? 12F. क्या लगा देगा? 12F. 12F का मतलब कैसा है ये? डेस्टिनेशन नोन है या अननोन है? अननोन है. अननोन है. याद रहेगा इतना? क्लियर है? चल अब दूसरी बात. 48 बिट्स जो आपकी आप टेबल होती है उसमें तीन इंफॉर्मेशन मिलती है. एक होती है आईपी एड्रेस, दूसरी क्या होती है? मैक. मैक एड्रेस. और फिर क्या चल रहा होता है? टाइम. क्या चल रहा होता है? टाइम. चलो अब दोबारा से चलो ऊपर. प्रोसेस सीखना था. पहला प्रोसेस याद रहेगा कि जब भी पीसी वन को पीसी फोर से बात करनी है किसी भी डिवाइस से तो पहले क्या चेक करेगा? आप टेबल. क्लियर है? अब इसे पता चला बॉब को ये क्या मेंटेन कर रहा होगा? आप टेबल में किस किस की इंफॉर्मेशन मिलती है? आईपी, मैक और टाइम. भाई सैली भी क्या बोल रही है? मैं भी क्या मेंटेन कर रही हूँ? टेबल. आप टेबल, आईपी, मैक और टाइम. लेकिन अब बॉब के पास सैली की इंफॉर्मेशन है आप टेबल में? नहीं, नहीं. बॉब के पास तो है नहीं. अब बॉब ने क्या बोला कि मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ? और ब्रॉडकास्ट का मतलब मैं उसके साथ कौन सा मैसेज लगा के भेज रहा हूँ? आर. आर रिक्वेस्ट. क्या लगा के भेज रहा हूँ? आर रिक्वेस्ट. अब आर रिक्वेस्ट बनाएंगे. ठीक है चलो अब देखो कैसे बनती है. पहले क्या लगाओगे? लेयर टू. लेयर टू. लेयर टू पे सोर्स मैक कौन सा होगा वो बात करेंगे. डेस्टिनेशन मैक क्या होगा वो बात करेंगे. टाइप फील्ड में क्या लगता है वो बात करेंगे. ठीक है? ओके. क्लियर है इतना? ओके सर. अब याद रखो नहीम जी कि भाई भेज कौन रहा है ये मैसेज ब्रॉडकास्ट वाला? बॉब. तो बॉब का मैक क्या है? ए. लेकिन डेस्टिनेशन का मैक टेबल में है आप टेबल में? नहीं. नहीं. जब नहीं है तो आप क्या बोलोगे? मैं तो ब्रॉडकास्ट जनरेट करूंगा. लेयर टू में क्या लगाऊंगा? एफ. एफ कितने एफ लगाओगे? 12 वैल्यू. 12 वैल्यूज वाले 12 एफ लगा दोगे. हो गया. अब टाइप फील्ड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे? आर.
अब उसका एक हेक्स वैल्यू होती है 0x806, कौन सी हेक्स वैल्यू होती है ये 0x806। अब आ जाओ दूसरी इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा है भाई आपने, आर्क का। तो आप देखो आर्क की इंफॉर्मेशन भेजो, आप कौन सा मैसेज भेजो यहां से, आर रिक्वेस्ट मैसेज। अब आप रिक्वेस्ट में पहली इंफॉर्मेशन भेजो सेंडर की आईपी, आईपी सेंडर का मैक, टारगेट की आईपी जिसका मैक निकालना है आपको, टारगेट का मैसेज मैक, मैक हो गया। तो ये चार इंफॉर्मेशन हम फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो बहुत आसान है, अभी भरोगे आप देखो। चलो बताओ सेंडर कौन है ये मैसेज भेजने वाला, शैली बॉब या सैली, कौन भेज रहा है, सैली जना सर, अभी भेज कौन रहा है मैसेज ब्रॉडकास्ट, बॉब सर, बॉब। उसकी आईपी क्या है 192.168.1.1, मैक क्या है उसका ए, टारगेट की आईपी क्या है सैली, सैली की 192.168.1.4.4 यही था। अब टारगेट का मैक तो क्या हो गया अननोन, मेरे को लेयर 2 पे ही नहीं पता था, तो आर्क में भेज सकता हूं नहीं, तो अब ये टारगेट का मैक लगाएगा 12 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने 12, कितने जीरो लगाए 12। अभी 12 जीरो का मतलब होता है इनकम्प्लीट एंट्री, फील द मैक एड्रेस, क्या करके भेज दो मुझे, भर के भेज दो अपना मैक एड्रेस, क्लियर है। अब देखो जब ये स्विच पे मैसेज आएगा, स्विच कौन सी लेयर देख सकता है सिर्फ टू, लेयर टू। अब लेयर टू पे सोर्स कौन है ए, डेस्टिनेशन कौन है नॉन है या अननोन है, अननोन है ना, अननोन है। अब स्विच को ये एफएफ क्या लगता है, स्विच को एफएफ का मतलब क्या लगता है, क्या करना है मुझे ये ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब वन मैसेज को कहां पे भेजना है, ऑल यूजर के पास। अब देखो क्यों भेजेगा, समझो बात को, क्योंकि स्विच के सारे पोर्ट किस ग्रुप के मेंबर थे हमारे, ग्रुप वन, वीलैन ग्रुप वन, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, वीलैन वन वन बोल दिया। अब यही मैसेज किसको मिलेगा, सैम को, यही मैसेज किसको मिलेगा, जॉन को, यही मैसेज किसको मिलेगा, लेकिन जो ऑन होंगे उन्हीं को मिलेगा, और जो इस ग्रुप के मेंबर होंगे। अब देखो जॉन ने देखा, सैम ने देखा कि भाई ठीक है मैंने एक मैसेज रिसीव करा है, कौन सा रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसने देखा सोर्स कौन है ए, डेस्टिनेशन कौन है नॉन है या अननोन है, अननोन, अननोन है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, आरपा, आर्प, आरपा अलग होता है, आर्प, आर्प, आर्प प्रोटोकॉल। अब उसने देखा आर्प का कौन सा मैसेज है, रिक्वेस्ट मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज है, बढ़िया है। अब देखो सेंडर कौन है, बॉब, उसका अब वो देख रहा है, वो देख रहा है भाई कि जो टारगेट है वो कौन है इसके लिए 1.4 और मैं कौन हूं 1.2, क्या मैं मैच करता हूं, नहीं, नहीं। जब मैच ही नहीं करता तो ये क्या कर देगा इसको, ड्रॉप। ऐसे जॉन भी क्या कर देगा इसको, ड्रॉप। लेकिन 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 अब सैली ने जैसे ही मैच करा टारगेट आईपी 1.4 और मेरी आईपी 1.4, इसने क्या बोला मैच, और इसने पहला काम क्या करा, फर्स्ट प्रोसेस क्रिएट बना दिया। बॉब की आईपी क्या आ रही है 1.1, बॉब का मैक क्या है ए, ए, और टाइम चला दिया जीरो, उसको तो बनानी पड़ेगी ना मैच होती। अब सैली ने बोला मैच हो गई, उसने देखा ये टारगेट मैक क्या बोल के भेज रहा है, पढ़ने लाइन Incomplete entry, fill the MAC address, fill the MAC address. Fill करके भेजना है MAC address. अच्छा, आपको fill करके चाहिए, कोई इशू नहीं है, ये लो। अब सैली ने क्या बोला, Now I am sending. क्या भेजे मैं? Sending. ARP. ARP. भेजा? Request. ARP reply. भाई P और Q ARP. एक जैसे लगते हैं. ARP okay. reply. क्या भेज रही है? Reply. रिप्लाई। अब देखो आप रिप्लाई कैसे भेजेगा,
आप रिप्लाई के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा? लेयर टू। टू चलो लेयर टू पे लगाते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया अभी तक। सोर्स मैक लगेगा, डेस्टिनेशन मैक और टाइम टाइप। चलो अब बताओ सोर्स कौन है रिप्लाई करते टाइम? सली। उसका मैक क्या है? डी। जब डेस्टिनेशन की बात आई रिप्लाई करने के लिए, तो पहले में पहला प्रोसेस क्या होता है, जब पीसी को कम्युनिकेट करना होता है किसी पीसी से, आप टेबल, आप टेबल में एंट्री है या नहीं है ये देखो है तो ये प्रोसेस कैसा होगा? नॉन। डेस्टिनेशन क्या है मेरा? ए, क्योंकि मेरी आप टेबल में है। चलो और प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा हूँ? आर। उसका हैक्स कोड देख दिया। अब मैं मैसेज कौन सा भेज रहा हूँ यहाँ से? आर रिप्लाई मैसेज। सेंडर की क्या बताओ? आईपी। सेंडर का क्या बताओ? मैक। मैक। टारगेट की क्या बताओ? आईपी। टारगेट का क्या बताओ? मैक। चलो भर दो अब आप इंफॉर्मेशन भरो। सेंडर आईपी 1.4। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। मैक इज सेंडर डी। बढ़िया। टारगेट आईपी? टारगेट आईपी 1.1। मैक एड्रेस पहले से है ए। यस। अब जब सेली ने भेजा तो किसको मिलेगा डायरेक्ट? बॉब को, क्योंकि स्विच को पता है डेस्टिनेशन क्या है? ए। नॉन है ना? अननोन नहीं है, अब नहीं करेगा। तो पहला मैसेज कैसा जाता है? ब्रॉडकास्ट। और जब रिप्लाई होता है तो कैसा होता है? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट, इसी को क्या बोलते हो आप? इसी को क्या बोलते हो? जब बॉब पे रिसीव होगा तो बॉब क्या कहेगा कि ये एंट्री क्या हो गई, ये टारगेट आईपी क्या हो गई है? मैच। और ये आईपी क्या रखेगा? 1.4। मैच क्या है? डी। उसका टाइम जीरो। पहले टाइम पे तो कैसा प्रोसेस होगा? फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, और फिर क्या होने लगेगा? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट, क्योंकि बॉब को भी पता चल गया ना डेस्टिनेशन का मैक क्या है? डी। जी सर। इसको क्या बोलते हो आप लोग? इसको बोलते हैं आर्प प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? आर्प प्रोसेस। क्लियर है इतना? ओके सर। पैकेट डेटा फ्लो क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, हाउ मेनी वे टू लर्न मैक एड्रेस ऑन स्विच, कि भाई कितने तरीके हैं स्विच पे मैक को लर्न करने के। पहला मेथड कौन सा होता है? स्टैटिक। दूसरा मेथड कौन सा होता है? डायनेमिक। डायनेमिक। अब देखो स्टैटिक का मतलब होता है सारा काम कैसे कर रहे हो आप? मैनुअली। मैनुअली क्लियर है? और डायनेमिक का मतलब सारा प्रोसेस कैसा हो रहा है? ऑटोमेटिकली। हाँ जी, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली, क्लियर है? चलो अब देखो जो आपका ये वाला डायग्राम था, ये डायग्राम था। अब देखो एक एक इंफॉर्मेशन लाऊंगा। ये पूरा डायग्राम हमने बनाया था ना, इसको कॉपी, हमें पूरी के पूरे डायग्राम की जरूरत है। कॉपी करा आगे नीचे, ये लो भाई डायग्राम आ गया हमारे पास। अब याद रखना, अब देखो जो मैक टेबल होते हैं दिखती गैस ये देखो, मैक टेबल में क्या क्या होता है? मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल में मिलता है आपको पहले क्या बताता है वो? VLAN number के बाद आपको क्या पता चलता है? इंटरफेस नंबर। फिर इंटरफेस के बाद क्या पता चलता है? मैक एड्रेस। फिर आपको क्या पता चलता है लास्ट में? वे ऑफ लर्निंग किसकी? मैक एड्रेस की, कि भाई याद कैसे करा है स्विच ने मैक को। ठीक है, तो यही बनाना है अपने को। अभी देखते हैं बना के बनता है नहीं बनता है ना भाई। जी सर। देखो बात समझो,
जब बॉब ने एक मैसेज भेजा था, कौन सा? आर रिक्वेस्ट, तो स्विच ने बोला कि भाई मैं हूँ स्मार्ट डिवाइस, मैं क्या हूँ? स्मार्ट डिवाइस। स्विच पे एक प्रोसेस चलता है, बाय डिफॉल्ट स्विच लर्न मैक एड्रेस इनसाइड सोर्स ऑफ द अपडेट। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि जब भी नीचे से कोई डेटा आता है उसमें सोर्स कौन है भाई? लेयर टू पे सोर्स मैक क्या है? तो इसको उठाएगा, कहां रखेगा? मैक टेबल में। अब मैक टेबल में देखो उसने क्या बोला, मैक टेबल में कि कौन सी वीलैन का मेंबर है सारे, बाय डिफॉल्ट वीलैन वन, और बॉब कौन से पोर्ट में कनेक्टेड है, जीरो बाय वन पे। मैक एड्रेस क्या है उसका? ए। और वे ऑफ लर्निंग क्या है, स्टैटिक या डायनामिक? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब किसी ने बताया, डायनेमिक का मतलब मैंने ऑटोमेटिक याद किया। तो ये कैसी होगी? डायनेमिक। डायनेमिक, क्लियर है? और जब सैली ने रिप्लाई करा होगा, जब किसने रिप्लाई करा? सैली ने। तो उसमें सोर्स मैक किसका आ रहा था? डिस्टेंस। सोर्स मैक क्या है? डी। तो उसने क्या बोला, वीलैन कौन सी है? वन। पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर क्या है? जीरो बाय फोर। डी। और वे ऑफ लर्निंग? डायनेमिक। हो गया। अब देखो नेटवर्क एडमिन बोल रहा है, भाई मैंने जो है ना कुछ एंट्री मैनुअल भी धर लगी है, वीलैन वन जीरो स्लैश टू मैक एड्रेस बी, और ये कैसे याद कर रखा है स्विच ने? स्टैटिक। स्टैटिक। अब देखो डायनामिक और स्टैटिक एंट्री में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट स्विच मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना था? 300 सेकंड। यानी कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट के बाद एंट्री नहीं रहती, ये बताया था ना। देखो अब वो प्रोसेस कब होता है वो भी पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कब ये 5 मिनट वाला प्रोसेस। देखो जब बॉब ने, देखो सपोज करो जो बॉब था ना ये कैंटीन में गया चाय पीने के लिए, और बाकी सब यूजर क्या कर रहे थे? वॉकिंग कर रहे थे अपने डेटा पे, लेकिन बॉब क्या था? फ्री था, वो चला गया। अब बॉब ने 5 मिनट तक कोई डेटा भेजा ही नहीं, किसको? स्विच को। अब स्विच ने क्या देखा, 5 मिनट तक इस पोर्ट में कोई क्या नहीं हुआ रिसीव डेटा, कोई दिक्कत नहीं। स्विच ने जितनी भी डायनामिक एंट्री थी उनको क्या कर दिया? कैंसिल। क्या कर दिया? डिलीट। क्या कर दिया? डिलीट। और कौन सी करी सिर्फ? कौन सी करी सिर्फ? डायनामिक। स्टैटिक का मतलब भाई मैनुअल बताया गया, यही बता। अब डायनेमिक वाली डिलीट हो गई तो प्रॉब्लम क्या हुई? अब देखो प्रॉब्लम ये हुई नईम जी कि जब बॉब को सैली से बात करनी थी, किससे बात करनी थी बॉब को? सैली से। सैली से, तो भाई बॉब की आप टेबल में तो एंट्री रहेगी ना, शायद आपको याद रहा होगा, तो बॉब के पास तो आप टेबल में अपनी एंट्री पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बॉब की आप टेबल कितने कितने टाइम तक स्टोर रहती है? 4 आवर्स तक। कितने टाइम तक? 4 आवर्स तक। अब 4 आवर्स तक रहने का मतलब कि बॉब को तो पता है कि कब तक मेरे पास एंट्री है, 4 घंटे तक मैं बात कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। अब बॉब ने क्या बोला कि भाई मैंने एक डेटा पर भेजना है, किसको? सैली को। तो उसने लेयर 2 पे क्या लगाया? सोर्स मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या लगाया? डी। लेयर 3 पे क्या लगाई? सोर्स आईपी 1.1। डेस्टिनेशन क्या लगाई? 1.4। ये डेटा किसको दे दिया? स्विच को। अब स्विच ने बोला सोर्स मैक तो मैंने क्या कर लिया? दोबारा लर्न। लेकिन डेस्टिनेशन कैसा आ रहा है? नोन या अननोन? अननोन, अभी नोन है। नोन है। अब जब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो आप इसको कौन सा मैसेज बोलते हो? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट। जब स्विच पे आया तो कैसा मैसेज था? यूनिकास्ट। स्विच को लग रहा है, स्विच को पता चला कि जो बॉब है ना उसको मैक पता है, डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है और मैक भी। लेकिन स्विच क्या बोल रहा है कि मुझे डेस्टिनेशन का तो मैक पता ही नहीं है, कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है? जी सर। है? नहीं, कोई एंट्री है? नहीं, नहीं। अब स्विच हो गया कंफ्यूज। स्विच ने बोला आपने तो कैसा मैसेज भेजा? यूनिकास्ट, यानी आपको क्या है ये बंदा? नोन है। लेकिन मेरे लिए क्या हो गया है? अननोन। क्या हो गया? अननोन। तो ये क्या करता है? एक प्रोसेस करता है, अननोन, यूनिकास्ट,
क्या करता है अननोन फ्लडिंग। क्योंकि बॉब के पास तो आप टेबल में एंट्री कितनी देर रहेगी 4 आवर्स, और स्विच के पास कितनी देर थी 300 सेकंड, लेकिन 5 मिनट तक इसने कोई डेटा भेजा नहीं, इसने डिलीट कर दी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये मैसेज किसको रिसीव होगा, ये मैसेज भाई सारे मोहल्ले के बंदों को होगा, सैम को भी होगा, जॉन को भी होगा, और प्रॉब्लम आ गई ना। इसलिए नेटवर्क में हमेशा रखना जो मैक टेबल का एजिंग टाइम है, इसको क्या करना पड़ता है, चेंज। क्लियर रहा इतना प्रोसेस? ओके सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। कोई भी इशू? नहीं नहीं सर। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पे, ठीक है? ओके सर। देखो अब हमने स्विच के पूरे डेटा फ्लो को पढ़ लिया है, सिर्फ हमें प्रैक्टिकल करना है ना। जी सर। तो मैं वही पैकेट ट्रेसर दोबारा यूज करता हूँ, अब मैं ब्रिज यूज नहीं करूंगा। अब मेरे पास एडवांस डिवाइस कौन सा आ गया, स्विच। तो भाई स्विच लगा लेते हैं। जी सर। ये लो भाई, ये लेयर 2 स्विच है पहले वाला, और ये फोर्थ नंबर वाला जो 3560 का पहला डिवाइस है, ये वाला 3560, ये लेयर 3 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3। तो मैं अभी लेयर 2 पे ही कर रहा हूँ, क्लियर है? लेयर 2 और लेयर 3 दोनों एक जैसे ही काम करेंगे। ओके सर। 1, 2, 3, 4 लगा दिया। चलो ओके सर, केबल लगाओ। पोर्ट नंबर कौन सा है? F01int। FA0/1, FA का मतलब फास्ट ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट 100 MB का है। अच्छा, अब PCs को IP देना है, तो पहले ही हमने क्लियर कर रखा है भाई ये कौन होगा 1.1, ये कौन होगा 1.2, ये कौन होगा 1.3, ये कौन होगा 1.4। अब देखो फास्ट फॉरवर्ड करो, क्योंकि ऑरेंज हो रखे हैं ये कलर। अब पीसी पे आईपी दे दो, डेस्कटॉप आईपी। ओके आईपी 1, सिर्फ आईपी देना सिखा रहा हूं। ओके सर। आईपी 1.2, टैप करा, सबनेट मास्क आ गया। ओके 1.3, 1.3, और लास्ट वाले की क्या आईपी देनी है? 1.4 हो गया। अब PC1 को PC4 से बात करनी है, तो पहला प्रोसेस क्या होगा, चेक करेगा आप टेबल। देखो PC1 पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और क्या लिखो, R-A, R-A, कोई एंट्री है? नॉट फाउंड। नो एंट्री। अगर मैं एंट्री नहीं है और PC1 बात करना है PC4 से, तो पहले कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इसे? डेटा आप प्रोसेस, कौन सा आर प्रोसेस, क्लियर है ना? चलो सिमिलाइजेशन में जाना है, प्ले करना है और स्टॉप कर देना। कर दिया? ओके। देखो आप PC1 पे जाओ, पिंग लिखो 192.168.1.4। जैसे आपने लिखा 1.4, इसने जो ना 2 मैसेज जनरेट करे, दिखाऊं आपको मैसेज। देखो ये दिख रहे हैं 2 मैसेज, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर। अब ये 2 मैसेज कौन से है? ये वाला ग्रीन वाला है आर्क का, और ये वाला कौन सा है? पिंक का। अब पिंक तो जा ही नहीं सकता, लेयर 2 पे इंफॉर्मेशन क्या है? इनकम्प्लीट। तो ये तो जाएगा ही नहीं। अब कौन सा जाएगा आपका मैसेज? आर्क। तो आर्क में देखो वही इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई थी। सोर्स मैक किसका है? PC1 का। डेस्टिनेशन मैक क्या है? FF। और टाइप फील्ड में कोड देखो क्या लिखा है, 0x806। कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो? R। और सोर्स आईपी क्या है? 1.1। PC1 की, ये PC1 का मैक देख लो मैच करके, वही है CD19। लेकिन टारगेट आईपी क्या है? 4 1.4 4। टारगेट मैक क्या कर रखा है? 000, दिख रहा है ना? तो इनकम्प्लीट एंट्री है। अब ये मैसेज किसके पास जाएगा? स्विच के पास। देखो स्विच के पास गया। अब स्विच कौन सी लेयर देखेगा? सिर्फ लेयर 2। अब लेयर 2 पे उसे पता चला कौन सा प्रोटोकॉल चला रहे हो आप?
फास्ट इथरनेट आर्क, आर्क चल रहा है, एफएफ का मतलब अननोन है और आर्क प्रोटोकॉल चल रहा है। अब अंदर जाओ पैकेट के, डेटा ट्रैफिक के अंदर जाओ। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि भाई सोर्स तो मेरे पास नोन है, डेस्टिनेशन क्या है अननोन, अननोन। जैसी अब उसको अननोन मिलेगा, उसने एक लाइन बोली, पढ़ो लाइन, द सोर्स मैक एड्रेस फाउंड इन मैक टेबल, द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट। स्विच क्या करेगा, प्रोसेस करेगा फ्रेम को, और जब डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, मैच होगा रिसीविंग पोर्ट से, तब मिलेगा उसको यूनिक। अब देखो इसको जैसे ब्रॉडकास्ट मिला, इसने सबको दे दिया, पीसी टू, पीसी थ्री, पीसी फोर। भाई इसने क्रॉस क्यों लिखा बता दिया, क्योंकि जो इसने भेजा था उसमें टारगेट आईपी 1.4 थी और इसकी क्या है 2। चलो मैसेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट लेयर पे जाओ और ये पढ़ो लाइन, द आर्प रिक्वेस्ट टारगेट आईपी डज नॉट मैच। मैच ही नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी तो 1.2 है और जो आपने टारगेट में भेजी 1.4 है, तो भाई ये तो क्या कर देगा इसको ड्रॉप, ये लिखा हुआ है इसने क्या कर दिया ड्रॉप, इसने भी ड्रॉप करा, लेकिन एक्सेप्ट किसने करा, पीसी फोर ने। देखो क्या भी रहा है, क्या बोल रहा है कि मैच हो गया है और मैंने किस में एंट्री बना ली है, आर टेबल में। जैसी एंट्री बनाई रिप्लाई भेजा, और कैसा जा रहा होगा, ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट, तब ये भेजेगा रिप्लाई। सैली जब रिप्लाई करे तो यूनिकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट, को तो पता है ना कि सोर्स कौन था, ये था भाई। अब जब ये रिप्लाई देगा तो इसके पास तो बॉब की एंट्री होगी ना, सैली के पास, तो अब ये बॉब की एंट्री जब होगी तो सैली क्या कह रही है कि मेरे पास तो क्या है एंट्री है ऑलरेडी, तो अब ये इसने कैसे मैसेज भेजा, यूनिकास्ट। देखो सोर्स मैक क्या बता रहा है, सैली, और डेस्टिनेशन मैक किसका आ रहा है, बॉब, बॉब अननोन है क्या, अब नहीं, सोर्स आईपी क्या है 1.4 और टारगेट कौन है 1.1, वही तो था जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम जी सर। अब ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे, डायरेक्ट किसको मिलेगी, बॉब को या सबको, बॉब को, बॉब को मिल गई। अब बॉब बात कर लेगा यूनिकास्ट, 1-to-1 बात हो रही है, दिख रहा है ना, सिर्फ बॉब और सैली के बीच में। अच्छा अब एक मैंने प्रोसेस बताया था, स्विच कौन सी टेबल मेंटेन करता है, मैक एड्रेस, कमांड देखो कौन सी होती है, शो मैक एड्रेस टेबल, अब पोर्ट नंबर 1 पे ये मैक आ रहा है, पोर्ट नंबर 4 पे ये मैक आ रहा है, दोनों लर्न हुए हुए, अब ये एंट्री कैसे कर रखी है, लर्न डायनेमिक, ये तो 5 मिनट बाद क्या हो जाएगी, फ्लश, फ्लश, ये तो 5 मिनट बाद जाएगी, लेकिन जो पीसी है उसके पास जो आर्प एंट्री वो कितनी देर तक रहेगी, 4 आवर्स। चलो मैं स्विच के पास से एंट्री हटा दूं, एक कमांड चलती है, क्लियर, दिखा देता हूं कमांड, क्लियर मैक एड्रेस टेबल कर दिया, शो मैक एड्रेस टेबल, कोई एंट्री है अब नहीं है। अब जब बॉब मैसेज जनरेट करेगा उसे तो सैली का मैक पता है, क्योंकि आप टेबल में एंट्री है, ये देखो जी सर 1.4 की एंट्री जी सर। बॉब क्या बोलेगा, मैं तो कैसे मैसेज भेज रहा हूँ, यूनिकास्ट, कैसे भेज रहा हूँ, यूनिकास्ट। देखो इसने जनरेट करा, अब कोई आर्प जनरेट करी नहीं, क्योंकि इसके पास देखो सोर्स मैक किसका बताएगा, बॉब का, और डेस्टिनेशन मैक किसका है, सैली का। तो इन्फॉर्मेशन पूरी है। अब देखो स्विच क्या बोलेगा, मेरे पास तो एंट्री नहीं है, बताएगा, देखो ये गया स्विच के पास, स्विच ने क्या बोला, मैंने रिसीव करा आपका फ्रेम, नेक्स्ट डे सोर्स मैक मिल गया है क्या, नहीं सोर्स मैक नहीं था, डज नॉट एग्जिस्ट, बट मैंने लर्न कर लिया। अब ये कैसा मैसेज भेजा है बॉब ने, यूनिकास्ट। अब नेक्स्ट पे जाओ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट इन द मैक टेबल, द स्विच फ्लड द फ्रेम ऑल पोर्ट्स इन सेम वीलैन, कर दिया। अब इसी को बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट, देख लो सब पे गया ना, इसी को बचाने के लिए आपको स्विच पे क्या करनी पड़ती है, मैक टेबल की एजिंग टाइम को चेंज, क्या करना पड़ता है, मैक एड्रेस टेबल की टाइम को चेंज, चेंज, क्लियर है इतना, बताएं, ओके, कोई दिक्कत है आप प्रोसेस में, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया, ओके सर, कोई इशू तो नहीं है, नहीं सर। अब देखो सैली के पास जाओ, इसके पास भी आर्प एंट्री, देखो आर्प हाइफन ए, किसके एंट्री है 1.1 की, और इस पे जाके चेक कर लो, आर्प हाइफन ए, इसके पास किसके एंट्री है 1.4 की, तो दोनों बात कर सकते हैं, कैसे बात करेंगे, यूनिकास्ट, कैसे बात करेंगे, यूनिकास्ट,
यूनिकास्ट, क्लियर है जी सर? यूनिकास्ट वन टू वन, वन टू वन ब्रॉडकास्ट, वन टू मैनी, क्लियर है इतना? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक राउटर। तो स्विच की पूरी थ्योरी पढ़ गया ना, पहला प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस दोनों, क्लियर है सर? ओके, तो नहीं है? नहीं सर, इतना आपको पढ़ के आना है बेसिक, तभी हम राउटर पढ़ पाएंगे, क्लियर है ना? क्योंकि ओके आज सर, जब तक क्लियर हो जाएगा फिर राउटर पे आ जाएंगे हम, ठीक है? ओके।